देखिए नीतीश जी केवल एक ही बात बताएं कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में 81 एकड़ जमीन क्यों उन्होंने केंद्र सरकार को सौंपी थी। यही नीतीश कुमार है जिन्होंने एक समय में नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया कि आपने बिहार को दूसरा एम्स दिया, इसके लिए प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं। और फिर उन्होंने 81 यानी 81 एकड़ जमीन डीएमसीएच परिसर की भारत सरकार को सौंप दिया। फिर अचानक क्या हुआ कि आपने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और कहा कि जो शोभना एकमी जो इलाका वहां पर जमीन देंगे। इस बीच में राजद जदयू के बीच होड़ मच गई। राजद के जो वरिष्ठ नेता भोला यादव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि अब दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में नहीं बल्कि जो हयाघाट में अशोक पेपर मिल का जो कैंपस है वहां एम्स बनेगा। तो जदयू के लोगों को लगा कि तो हाईजैक कर लिया राजद के लोगों ने। तो नीतीश जी बताएं कि भोला यादव ने किस हैसियत से कहा कि हयाघाट में एम्स बनेगा और फिर अचानक जो है डीएमसीएच को छोड़कर ये एकमी शोभनी में ले आए जहां 20 फीट पानी भरा रहता है। तो देखिए नीतीश जी ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में दूसरा एम्स बने। अगर दूसरा एम्स बनेगा तो नीतीश कुमार के बजाय नरेंद्र मोदी की जय जयकार होगी, लोग उनकी प्रशंसा करेंगे। जो कोई न कोई अड़ंगा लगाकर टालना चाहते हैं। इतना ही नहीं तो जनता दल यू के लगभग 15 सांसदों ने लिख कर ज्ञापन दिया है कि दरभंगा के बजाय इसको सहरसा में स्थापित किया जाए। आखिर जनता दल यू के सांसदों ने ये क्यों ज्ञापन दिया जब दरभंगा में बन रहा था। इसलिए तीन सवाल है नीतीश कुमार से कि 81 एकड़ जमीन जब आपने सौंप दिया भारत सरकार को डीएमसीएच परिसर में, तो फिर किस स्थिति में आपने उस जमीन को वापस ले लिया। दूसरा कि किस हैसियत से राजद के नेता भोला यादव ने हयाघाट में जो अशोक पेपर मिल की जमीन है वहां एम्स बनाने का ऐलान किया, और फिर किन परिस्थितियों में डीएमसीएच के बजाय आप ये नई जगह पर लेके जहां 20 फीट पानी भरा रहता है। तो मैं नीतीश जी से यही अपील करूंगा, विकास के नाम पर राजनीति मत कीजिए। तत्काल डीएमसीएच परिसर या कहीं और योग्य स्थान पर 150 एकड़ जमीन उपलब्ध कराइए ताकि बिहार के लोगों को दूसरा एम्स मिले।